तमाम देखने वालों को इतिहास की गूंज की टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है। आज 2023 15 अगस्त को मैं ये एपिसोड बना रहा हूँ। आप मेरे पीछे इंडियन फ्लैग देख रहे हैं कि वही झंडा है जिस पर हम गर्व महसूस करते हैं, मगर आज के नौजवान नस्लों को, छोटे छोटे बच्चों को इस झंडे का इतिहास नहीं पता है। अहले इल्म लोग जानते हैं कि इस झंडे की तारीख क्या है, मगर कुछ ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो जानना, पहचानना और तारीख जानना ज़रूरी नहीं समझते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट के ज़रिए मैं आप तक ये जानकारी प्यारी प्यारी पहुंचाता हूं। मेरे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे एपिसोड आते रहते हैं। चलिए मैं अपने टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। इस झंडे की डिज़ाइन किसने दिया था? शायद ही लोग जानते होंगे कि इंडियन फ्लैग, इस झंडे के पीछे की कहानी असल में क्या है, तो चलिए देखते हैं। ज़माने माजी में इंडियन फ्लैग के अंदर बहुत सारे बदलाव आते गए हैं। 1931 के अंदर जो तिरंगा हमें डिज़ाइन किया हुआ नज़र आता है, वो दरअसल एक रिवायत के मुताबिक पिंगली वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था, जिसे गांधी जी ने ऑर्डर किया था। 1931 से 1947 तक ये झंडा कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, जिसके बीच में हमें चरखा नज़र आता है। फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ 1947 में, एक ऐसे झंडे की तलाश थी जो भारतीय झंडा हो। बदरुद्दीन तैयब विधानसभा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। बदरुद्दीन तैयब की पत्नी का नाम था सुरैया तैयब। सुरैया तैयब हैदराबाद की मुस्लिम महिला थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन किया था। आखिरी बार ये प्यारा सा झंडा जो हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है, बीच में अशोक चक्र को सुरैया तैयब ने डिज़ाइन किया था, जो बदरुद्दीन तैयब की वाइफ थी। हिंदुस्तान की जंगी आज़ादी कब शुरू हुई ये बताना तो नामुमकिन है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि जिस दिन से वतन परस्त लोगों को अंग्रेज़ों के काले दिल और नापाक इरादों का जिस दिन से पता चल चुका था, उस दिन से हमारे हिंदुस्तान की जंगी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो गई थी। ऐसे हुब्बे वतन हित्ते बरार से भी ताल्लुक़ रखते हैं। बुल्ढाना ज़िला के हुब्बे वतन जिन्होंने जंग आज़ादी के अंदर जद्दोजहद में अपना हिस्सा लिया, उनके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खित्ते बरार। बुल्ढाना ज़िला के मुस्लिम मुजाहिदीन जंग आज़ादी के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था। चलिए हम एक नज़र डालते हैं। ग़ुलाम रब्बानी साहब, बन्नेरा, पिपलगांव राजा, नांदुरा, इन शहरों से, इन छोटे छोटे देहातों से हुब्बे वतन मुस्लिम मुजाहिदीन मौजूद थे। इंशाल्लाह मैं एक अच्छा प्यारा सा एपिसोड वहाँ जाकर उनसे बातचीत करके उनके घर वालों के, उनके जद्दे अमजद आबा और अजदाद जो आज हाजिर हैं, मैं उनका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि मैं उनके पास में पहुँच के एक फुल डिटेल के अंदर वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा इस किताब के रेफरेंस पर। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामुअलैकुम।